हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा T800 अल्ट्रा स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग। तो गाइज, ये सबसे कम रेट की वॉच है और अल्ट्रा वॉच है, जो कि मेरे को बहुत पसंद आई है। तो आप देख सकते हो यहाँ T8 अल्ट्रा लिखा है 49 mm, और इसका रेट काफ़ी कम है गाइज। तो यहाँ आप देखोगे तो ये 1.99 इंच के डिस्प्ले के साथ आती है और इन्फिनिटी डिस्प्ले, और इसके साथ आपको वायरलेस चार्जर भी मिलता है। तो गाइज, ये वॉच मैंने सिर्फ 500 रुपीज़ में परचेस की थी। तो मैं आपको बता दूंगा मैंने कैसे परचेस किया था। आप देख सकते हो तो आपको यहाँ चाइना में लिखी हुई एक पूरी गाइड मिलती है और पीछे इंग्लिश में तो आपको पूरा गाइड मिलेगा। उसके बाद आपको सबसे पहले ऊपर यहाँ बेल्ट देखने मिलती है, और यहाँ एक वायरलेस चार्जर, और यहाँ आपको देखने मिलेगी वॉच। मैं वॉच को आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप वॉच के पीछे पढ़ोगे तो आपको वॉच अल्ट्रा लिख के आएगा, एल्यूमिनियम केस के साथ आती है। तो आप देख सकते हो कि आपको यहाँ क्राउन ऑरेंज कलर का मिलता है, और यहाँ आपको माइक्रोफोन देखने मिलेगा। और आप वॉच को इस साइड से देखोगे तो आपको यहाँ एक एक्शन बटन मिलेगा और स्पीकर मिलेंगे। और आप देखोगे तो यहाँ एक्चुअली वॉच के डिज़ाइन में आपको 3 माइक्रोफोन देखने मिलेंगे, पर ये सिर्फ शो के लिए नीचे का, और ये ऊपर का मेन माइक्रोफोन बीच का ही है, और ये स्पीकर है जो कि वर्किंग है। तो अब मैं आपको वॉच को ऑन करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसमें से ये निकाल देता हूँ, तब मैं आपको वॉच को ऑन करके दिखाऊंगा। तो आपको बस ये बटन प्रेस करना है। तो आप देखोगे तो वॉच ऑन हो चुकी है, और आपको सबसे पहले एक अर्थ का लोगो आता है। तो अब गाइस, मैंने वॉच में बेल्ट लगा ली है। तो आप देखोगे तो यहाँ आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाता है, और आपको सबसे पहले यहाँ एक हॉर्स का वॉलपेपर मिलेगा। और आप हॉर्स के वॉलपेपर पर क्लिक करोगे तो उसके कलर चेंज हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। और ये यहाँ ये आपको मिलेगा कस्टम वॉलपेपर, और यहाँ से आपको ओरिजिनल अल्ट्रा का वॉच फेस देखने मिलेगा T800 स्मार्ट वॉच में। और यहाँ आपको सीरीज 7 का वॉलपेपर मिलेगा, और यहाँ आपको गिनती के 3-4 ही वॉलपेपर देखने मिलते हैं। ये देखिए, बस इसमें इतने ही वॉलपेपर है। और आप इसको क्लिक करोगे तो नाइट मोड में चले जाता है, जो कि डार्क मोड है। और अगर आप वॉच का डिस्प्ले क्लोज करोगे तो इसमें आएगा आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन। तो आप ऊपर से स्वाइप करोगे तो आपको मैसेजेस देखने मिलेगा, और आप नीचे से स्वाइप करोगे तो आप कॉल्स के लिए रिसीव कर सकते हो, कॉल टॉर्च ऑन कर सकते हो वॉच में, और ये काफ़ी ब्राइट है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर सकते हो, फ्लाइट मोड मीन्स वॉच को फ़ोन से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और बीच का अगर क्राउन का बटन दबाओगे तो आपको ये देखने मिलेगा इसका क्राउन वर्किंग है, और बिल्कुल एप्पल के जैसे मेन्यू स्टाइल है इसका। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ से आप स्क्रॉल कर सकते हो, तो आपको व्हाट्सअप, कैलेंडर और फेसबुक, और ये सारे आइकॉन्स बिल्कुल एप्पल अल्ट्रा के जैसी है। और इसमें आपको कैलकुलेटर भी देखने मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप देखोगे तो यहाँ आपको मेन्यू स्टाइल के भी ऑप्शन मिलते हैं। अगर मैं मेन्यू स्टाइल 2 पे क्लिक करूँगा तो यह मेन्यू स्टाइल चेंज हो जाएगा पूरा। और इसमें टोटल 4 से 5 मेन्यू स्टाइल है। ये देखिए, ये थर्ड मेन्यू स्टाइल है, और ये है फोर्थ मेन्यू स्टाइल। तो ये दिखने में काफी अमेजिंग है, और ये फिफ्थ मेन्यू स्टाइल। तो इससे आप स्क्रॉल कर सकते हो क्राउन से, और कोई भी चीज़ को डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो। उसमें 6th मेन्यू स्टाइल भी है, और ये 1st मेन्यू स्टाइल। इसमें टोटल 6 मेन्यू स्टाइल है। तो आप देख सकते हो, पर मेरे को एप्पल वाले ही पसंद है पर्सनली। तो यहाँ आप व्हाट्सएप के मैसेजेस गेट कर सकते हो, आप कॉलिंग कर सकते हो इसमें, आप किसी को भी कॉल लगा सकते हो, आप इसमें काफ़ी एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर सकते हो। आप इसमें अगर एक्शन बटन को दबाओगे तो यहाँ सारी की सारी एक्सरसाइज लोड हो जाती है, जो कि आप देख सकते हो वॉच में। और यहाँ आपको पूरे मेन्यू स्टाइल्स देखने मिलेंगे। यहाँ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का ऑप्शन है, और यहाँ आपको एक्सरसाइज आप यहाँ से भी खोल सकते हो। सेटिंग्स में आपको कई सारी सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे कि सीरी की सेटिंग होगी, इसमें आप इसमें अगर आप फर्स्ट ऑप्शन ऑन करोगे तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड कैसा वर्क करता है। इसमें अगर आपको जो साइड की है, जो एक्शन बटन होता है वॉच में, उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आप इसमें स्पोर्ट्स डाल सकते हो, ब्लड प्रेशर या गेम्स खोल सकते हो। और
इसका स्क्रीन टाइम आउट भी आप सेट कर सकते हो, ये देखिए, और इसमें ब्राइटनेस भी आप इंक्रीज कर सकते हो। और मैं आपको बता देता हूँ कि स्क्रीन टाइम आउट इसमें 3 मिनट्स का है, तो आप 3 मिनट्स तक इसको एक्सटेंड कर सकते हो। और इसमें गो बैक टाइम, मतलब जब आप बैक करते हो तो वो वाला फीचर रहेगा। और आप ऐसे डेट और टाइम सेट कर सकते हो, पर अगर आप वॉच को ऐप से कनेक्ट करोगे तो डायरेक्ट सेट हो जाएगा। तो अब आप देखोगे तो आपको यहाँ हार्ट रेट ये सब देखने मिलेगा वॉच के पीछे जो सेंसर है, और ये वर्किंग सेंसर है। और यहाँ आप सॉन्ग्स भी सुन सकते हो, मैं आपको अभी फ़ोन से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। इसमें कैलेंडर भी है, आप डेट्स भी देख सकते हो वॉच में, स्मार्ट वॉच में। और आप यहाँ ऐप स्टोर के आइकॉन पर क्लिक करोगे तो आपको बारकोड देखने मिलेगा, और यहाँ से आप मैसेजेस रीड कर सकते हो। और अब मैं आपको बता देता हूँ, आप वेदर भी देख सकते हो। एक्चुअली मैंने इसको अभी तक फ़ोन से कनेक्ट किया नहीं है, आपको यहाँ पूरे कॉल्स देखने मिलते हैं। तो अब मैं आपको इसमें गेम बता देता हूँ, तो आप देखोगे तो यहाँ आपको साइड में गेम देखने मिलेगा। तो इसमें एक ही गेम है ये वाला, तो आप ये भी खेल सकते हो। और काफ़ी कम रेट में वॉच है, और इसका डिस्प्ले भी LCD है, तो आप गेम्स खेल सकते हो। तो अब मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइज, अब मैं आपको ऐप से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको ऐप से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले वॉच में नेट ऑन करना है, और आप देखोगे तो ये वॉच जो ऐप से कनेक्ट होती है, उस ऐप का नाम है हाई वॉच ऐप प्रो। मैं हाई वॉच ऐप प्रो ऐप से आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको नेट ऑन करना है, ब्लूटूथ और लोकेशन, और उसके बाद आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है यहाँ हाई वॉच ऐप। तो यहाँ आपको मिल जाएगा हाई वॉच ऐप प्रो। तो ये ऐप मैंने इंस्टॉल कर लिया था। तो इस ऐप से कनेक्ट करने के लिए आपको ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना है। और अब मैं आपको ऐप से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो आपको ये सब चीज़ों को अलाउ करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। अब आप देखोगे तो हाई वॉच ऐप खुलेगा, यहाँ आपको एग्री करना है। लोकेशन की एक्सेस देनी है, आपको होम पेज कुछ ऐसा देखने मिलेगा। और सेट में आप जाओगे तो यहाँ वॉच फाइंड करने का ऑप्शन आएगा। स्पोर्ट्स में आपको आप मैप खोल सकते हो जब आप रनिंग करोगे, और मी में आपको आपकी प्रोफाइल देखने मिलेगी। तो अब मैं वॉच को फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो T800 Ultra वॉच फाइंड हो चुकी है। तो फर्स्ट ऑप्शन कनेक्ट हो चुका है, जब तक चारों ऑप्शन कनेक्ट नहीं होगी वॉच कनेक्ट नहीं होगी। चारों ऑप्शन कनेक्ट हो चुके हैं, वॉच पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुकी है। और यहाँ स्टेप्स वेप्स भी सब आ जाते हैं, मैंने लिए नहीं थे इसलिए आए नहीं। आप वॉच को फाइंड कर सकते हो यहाँ से। और फर्स्ट फीचर जो मैं आपको बता दूँ, राइज टू वेकअप डिस्प्ले, मीन्स इसमें अगर वॉच का डिस्प्ले बंद हो और आप अगर वॉच को तो वॉच का डिस्प्ले स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप वॉच को बस ऊपर करोगे तो वॉच का डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। तो जब आप वॉच को वेयर करते हो तो ये फीचर बहुत काम आता है। अलार्म सेट कर सकते हो, रिमाइंडर सेट कर सकते हो, वॉच को फाइंड कर सकते हो कि वॉच कनेक्ट हुई है कि नहीं, फोटोज़ ले सकते हो, वॉच का कैमरा खुल जाता है, और फ़ोन वॉच में कैमरे का ऑप्शन खुल जाएगा और फ़ोन का भी कैमरा खुल जाता है। इससे अगर यहाँ सपोज अब मैंने वॉच में फ़ोटो क्लिक की तो यहाँ फ़ोटो क्लिक हो जाती है। तो आप देखोगे तो यहाँ फ़ोटो आ चुकी है। तो ये भी फीचर काफ़ी अच्छा है। आप मैसेजेस ले सकते हो कोई ऐप के यहाँ से, और यहाँ से आप वॉच को रीसेट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अदर सेटिंग्स में आप जाओगे तो वाइब्रेशन की सेटिंग्स मिलेगी आपको, और यहाँ आप OT अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि यूजुअली सारी वॉचेस अपग्रेड ही होती है। और ये बैकग्राउंड सेटिंग्स बिल्कुल भी काम की नहीं है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ मेन फीचर जो है डायल सेटिंग्स। तो डायल सेटिंग्स अगर ऑन नहीं होगी तो आपको उसके एक बात का ध्यान रखना है कि आपको नेट ऑन रखना है अपनी वॉच में। तो आप देखोगे तो अभी वॉलपेपर सब लोड हो रहे हैं, तो आप इसमें से कोई भी एक वॉलपेपर लगा सकते हो। इसमें अलग अलग डायल्स है, जैसे कि कार्टून डायल है इधर, तो कार्टून डायल से आप कोई भी वॉलपेपर इसमें लगा सकते हो। तो सपोज अगर मेरे को इसमें से ये वाला वॉलपेपर लगाना है तो बस मैं उस पर क्लिक करूँगा और वो वॉलपेपर सेट होना स्टार्ट हो जाएगा वॉच में। तो आप देख सकते हो कि वॉलपेपर सेट हो रहा है, और वॉलपेपर सेट होने टाइम आपको वॉच को बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, तो वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि फ़ोटो ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी है, ऐसे काफ़ी टाइम लग जाता है अपलोड होने के लिए।
तो वॉच रिस्टार्ट होगी। तो ये देखिए वॉच रिस्टार्ट हो चुकी है, तो आप देख सकते हो कि फोटोज में आ चुकी है। तो गाइस ये थे पूरे फीचर T800 स्मार्ट वॉच के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।